नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लोकसभा के जो चुनाव हैं 10 सीटों के, उनके नतीजे 90% तक साफ हो गए हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जीत रही है और 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दांव फंस गया है और यही समीकरण यहाँ का पहले से नज़र आ रहा था। पिछली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 7 जीती थी, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी और 1 कांग्रेस के पास। इस बार समीकरण ज़्यादा आसान इसलिए हो गए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल 2 पार्ट में बट गई है। दुष्यंत चौटाला अलग हो गए और उन्होंने अपनी JJP बना ली पार्टी। तो इस तरीके से जो चौटाला फैमिली हमेशा फाइट में रहती थी हरियाणा में, वो इस बार खुद ब खुद फाइट से बाहर हो गई। एक साथ जो फैमिली लड़ती थी मिलकर, वो अब अलग अलग प्रत्याशियों के रूप में लड़े और जाटों के मतों में विभाजन हुआ, जाटों के मतों में कन्फ्यूज़न हुआ और जाट के मत जो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाते थे, वो कांग्रेस के साथ भी चले गए और BJP के साथ भी चले गए। हालांकि जब 2-3 साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन यहाँ हुआ था, तो कुछ समीकरण इस तरह के बने थे कि चूंकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं, तो जाट और नॉन जाट के समीकरण बनता हुआ नज़र आया था प्रदेश में, कि शायद इस बार चुनाव ऐसा होगा कि जाट एक तरफ रहेंगे, बाकी नॉन जाट एक तरफ रहेंगे। और BJP नॉन जाट वोटों पर रिलाय कर रही थी, क्योंकि BJP को लग रहा था कि जाट वोट INLD चौटालाज की तरफ जाएंगे। तो इसी स्थिति में सबने अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर किया था और इसी तरह से सारी की सारी सीटों के समीकरण बदलते चले गए। देखिए, अगर यहाँ की बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर कांग्रेस में 2 धड़े, एक तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा और जो उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हुड्डा का एक धड़ा है, और एक है किरण चौधरी का, जो कि विपक्ष दल की नेता है, कांग्रेस दल की विधायक दल की नेता हैं हरियाणा में। तो किरण चौधरी और हुड्डा के बीच में कभी नहीं बनती। किरण चौधरी राहुल गांधी की नज़दीकी मानी जाती हैं और हुड्डा सोनिया गांधी के नज़दीक माने जाते हैं। और इस बार किरण चौधरी ने राहुल गांधी से मिलकर अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी से टिकट दिलाया, जो कि पहले भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। और हुड्डा ने अपने बेटे को, जो कि रोहतक से 3 बार के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनका तो टिकट था ही, इसके अलावा सोनीपत से खुद भी मैदान में उतर गए हुड्डा साहब, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा। तो अब समीकरण यहाँ पे कुछ इस तरह के बनकर नज़र आए कि जाटों ने चौटालाज में बटने के बजाय हुड्डा को वोट दिया, या फिर जहाँ पर हुड्डा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे कि सोनीपत और रोहतक को छोड़ दें, तो जहाँ पर हुड्डा का गुट स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहाँ पे जाट BJP के साथ गए। तो इसी वजह से जाटों के मत 3 तरह से डिवाइड हो गए। और जहाँ जिन सीटों पर चौटाला की INLD और दुष्यंत चौटाला की JJP स्ट्रॉन्गली लड़ रही थी, उन सीटों पर जाटों के मतों में भारी विभाजन हुआ और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, वो फीडबैक ले रहे हैं, कई दिनों से उनकी मीटिंग जारी है और खट्टर ने दावा कर दिया है अपनी मीटिंगों में कि BJP 10 की 10 सीटें जीत रही हैं। हालांकि इनमें से एक आध सीट उसके हाथ से निकल सकती है, जैसे सोनीपत की सीट जिस पर भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है और 90% चांस यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के जीतने के हैं। इसके अलावा भिवानी में भी ज़बरदस्त डिवाइड हुआ है वोटों में, और जाट वोट डिवाइड हो जाने की वजह से जो भिवानी में BJP के वर्तमान सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उनके वोटों में सेंध लगाई है श्रुति चौधरी ने, जो किरण चौधरी की बेटी हैं। यहाँ पर 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। अम्बाला सुरक्षित सीट से कुमारी सैलजा कांग्रेस के, उनके जीतने के चांस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा टफ फाइट में फंसे हुए हैं, लेकिन सीट निकाल सकते हैं। समीकरण कुछ इस तरह के बने हैं कि सोनीपत, भिवानी, अम्बाला और रोहतक, ये 4 सीटें कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ रही है
और यहाँ मुख्य फाइट में नज़र आ रही है और बाकी 6 सीटें बीजेपी आसानी से जीत रही है। सीट वाइज बात करते हैं, सिरसा सुरक्षित सीट, बीजेपी ने इसे यहाँ से टिकट दिया सुनीता दुग्गल को जो कि एक्स IRS अफसर हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया, JJP ने निर्मल सिंह बैरी को और INLD के यहाँ पर जो कि सिटिंग MP हैं चरणजीत सिंह रोड़ी वो मैदान में हैं। तो ये सीट बीजेपी की तरफ जा रही है, दलित वोट बीजेपी को मिले हैं, जाट वोट यहाँ पे पहली चॉइस उन्होंने बीजेपी को बनाया, नरेंद्र मोदी इफेक्ट यहाँ पर काम आता हुआ नज़र आया और ये सीट जा सकती है बीजेपी की तरफ। हिसार सीट जहाँ से दुष्यंत चौटाला MP थे पिछली बार INLD के, वो अलग हो गए, अपनी पार्टी बना ली JJP और खुद चुनाव मैदान में थे। INLD ने सुरेश कोठ को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई को जो कि पोते हैं भजन लाल के, पूर्व चीफ मिनिस्टर के, और हिसार में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया बृजेंद्र सिंह को जो कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जाट नेता हैं और चौधरी छोटू राम के रिश्तेदार हैं, उनके बेटे को बनाया। बृजेंद्र सिंह रिटायर्ड IAS अफसर हैं और वो क्लीन ये सीट जीत रहे हैं, जाटों की पहली प्रायोरिटी बृजेंद्र रहे यहाँ पर। बाकी दुष्यंत चौटाला को अच्छे खासे वोट मिले हैं लेकिन यहाँ कांग्रेस फाइट में इतनी नहीं नज़र आ रही है। सोनीपत सीट कांग्रेस से BS हुड्डा पूर्व चीफ मिनिस्टर, बीजेपी से सिटिंग MP रमेश कौशिक मैदान में थे, दिग्विजय चौटाला ने जो है वो JJP के प्रत्याशी थे, INLD के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार चिकारा, यानी कि जाट वोट यहाँ पर दिग्विजय और सुरेंद्र कुमार चिकारा के बीच में बटे और कुछ वोट हुड्डा को भी मिले, बाकी नॉन जाट वोट सभी रमेश कौशिक के पास गए। तो रमेश कौशिक यहाँ पर स्ट्रांगली लड़े लेकिन अगर जाटों ने अपनी प्रायोरिटी BS हुड्डा को दे दी होगी तो फिर ये सीट BS हुड्डा भी निकाल सकते हैं। करनाल सीट, यहाँ से जो सिटिंग MP थे अश्वनी चोपड़ा, उनका टिकट कटा था, उनकी जगह बीजेपी ने संजय भाटिया को टिकट दिया था। कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, INLD के धर्मवीर पाटा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट बीजेपी आसानी से जीतती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर नॉन जाट वोट काफ़ी हैं और ये सभी वोट संजय भाटिया को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अम्बाला सुरक्षित सीट से कांग्रेस की शैलजा जीत सकती है, यहाँ से पिछली बार सीट रतन लाल कटारिया जो बीजेपी के उन्होंने निकाली थी लेकिन इस बार कटारिया पीठ छटते हुए नज़र आए। INLD ने रामपाल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया था, ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुज्जर जो वर्तमान MP हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी फाइट वैसे अवतार सिंह बढ़ाना कांग्रेस के जो हैं उनसे मिली थी लेकिन अवतार सिंह बढ़ाना का टिकट बहुत देरी से हुआ, पहले ललित नागर का यहाँ से टिकट हो गया था जो कि रॉबर्ट वाड्रा के मित्र हैं, लेकिन बाद में अवतार बढ़ाना का टिकट हुआ, उन्होंने 10-12 दिन का ही चुनाव लड़ा और अच्छी खासी फाइट उन्होंने बनाई। INLD के महेंद्र चौहान यहाँ प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के नवीन जय हिंद ये दोनों फाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं। गुड़गांव सीट बीजेपी के सिटिंग MP राव इंद्रजीत सिंह जीत रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी, कांग्रेस ने कैप्टन अजय सिंह को प्रत्याशी बनाया था जो कि लालू यादव के समधी हैं और JJP ने महमूद खान को और INLD ने वीरेंद्र राणा को यहाँ प्रत्याशी बनाया था, राव इंद्रजीत सिंह ये सीट आसानी से निकाल रहे हैं। रोहतक सीट पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया दीपेंद्र हुड्डा 3 बार के MP हैं, चौथी बार जीतने की कोशिश में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, ठीक अच्छा चुनाव लड़ा है उन्होंने, उनके सामने बीजेपी के अरविंद शर्मा थे जो कि कांग्रेस छोड़ के आए थे, एक्स MP हैं, INLD के धर्मवीर फौजी और JJP के प्रदीप देसवाल उनके सामने थे। इस सीट को बीजेपी हार भी सकती है जीत भी सकती है। भिवानी महेंद्रगढ़, यहाँ से बीजेपी के सिटिंग MP धर्मवीर सिंह उन्हीं को टिकट हुआ था, कांग्रेस की श्रुति चौधरी जो कि एक्स MP हैं और किरण चौधरी की बेटी हैं, INLD के बलवान सिंह और JJP ने स्वाति यादव को यहाँ टिकट दिया था। यहाँ जाटों की प्रायोरिटी धर्मवीर सिंह और श्रुति चौधरी ही रहे और इन्हीं दोनों के बीच फाइट है, कांटे के मुकाबले में धर्मवीर सिंह निकाल सकते हैं क्योंकि धर्मवीर सिंह कभी चुनाव हारे नहीं हैं। कुरुक्षेत्र सीट बड़ी चर्चित सीट थी, यहाँ से जो बीजेपी के सांसद थे राजकुमार सैनी
उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन के समय बड़ा जाट विरोधी मुहिम चलाई थी और इसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया था। उनके समर्थकों ने हरियाणा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनके घर पर धावा बोल दिया था और इसमें राजकुमार सैनी का नाम आया था, तो राजकुमार सैनी को पार्टी निकाल तो नहीं पाई थी लेकिन पार्टी से वो अलग ही थे और पार्टी में एक तरह से वो बागी हो गए थे। इस सीट को जीतना बड़ी बड़ी चुनौती थी बीजेपी के सामने, तो इसलिए इसमें मनोहर लाल खट्टर ने अपने स्टेट के मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा। उनके सामने INLD के अर्जुन चौटाला और कांग्रेस के निर्मल सिंह थे। जाट वोट निर्मल सिंह अर्जुन चौटाला में बटे हैं और नॉन जाट वोट, OBC वोट, सभी वोट बीजेपी के नायब सिंह सैनी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लगता है कि मनोहर लाल खट्टर की इज्जत बच जाएगी और वो ये सीट निकाल सकते हैं आसानी से। तो समीकरण ये हुआ यहाँ पर कि चार सीटें फंसी हुई हैं, सोनीपत, भिवानी, अम्बाला और रोहतक, और इसके अलावा करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार पर बीजेपी साफ साफ निकलती नज़र आ रही है। यहाँ पर इस बार एक और भी रुझान देखने को मिला। मेरी अभी कुछ कारोबारियों से बात हुई हरियाणा के, तो उनका कहना था कि बिजनेसमैन लॉबी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। उनका मानना है कि बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग बढ़िया है मनोहर लाल खट्टर की, और वो बीजेपी को सपोर्ट किया उन लोगों ने। और जातीय समीकरण, जैसा कि हम समझते हैं कि जाट यहाँ पर केवल INLD को अपनी पार्टी मानते रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को जाट अपना नेता मानते रहे हैं, उसी तरह से देवीलाल की फैमिली को जाट यहाँ नेता मानते हैं, लेकिन जाट मत इस बार बिखरे हैं। बीजेपी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है और बाकी दलों में भी जाट गए हैं। जाटों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी रखी है और ये यहाँ पर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि जाट कितना बटा है आपस में। जातीय समीकरण यहाँ पिछली बार की तरह चौंकाने वाले होंगे, तो देखते रहिए आप हर्ष की बात लाइव। इसके अलावा कुछ लोगों ने हमारे से दिल्ली की जो सीटें हैं साथ उनके बारे में जानने की कोशिश की थी और उनका मानना था कि हम अगर दिल्ली के बारे में भी कुछ बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन दोस्तों दिल्ली के बारे में स्थिति कुछ अभी ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और दिल्ली की समीकरण कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और इस बार 2 टिकट बीजेपी ने बदले। यहाँ से उदित राज की जगह यहाँ से हंसराज हंस को उतारा और महेश गिरी की जगह गौतम गंभीर क्रिकेटर हैं उन्हें उतारा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं दिल्ली से उसमें रिपोर्ट तो यही है कि बीजेपी एक बार फिर 7 की 7 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस जो दूसरे नंबर पे आने की इस बार आस तक रही है उसको थोड़ा सा यहाँ पर धक्का लग सकता है। यहाँ पर दरअसल मुस्लिम वोटों में डिवीज़न हुआ है, यहाँ पर मुस्लिम वोटों ने आम आदमी पार्टी को भी वोट दी है, मुस्लिम मतदाताओं ने, और कांग्रेस को भी वोट दी है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ सकती है, जबकि 2014 में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उसके प्रदर्शन में स्टेट गवर्नमेंट के प्रदर्शन को देखते हुए गिरावट आई है और मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर जा सकती है। यहाँ पर चांदनी चौक सीट से हर्षवर्धन कांग्रेस के भाजपा के और कांग्रेस के JP अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता प्रत्याशी हैं। नॉर्थ ईस्ट सीट से मनोज तिवारी BJP, शीला दीक्षित कांग्रेस, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर भाजपा, कांग्रेस के अरविंदर लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी, नई दिल्ली से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस के अजय माकन, आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल, नॉर्थ वेस्ट सीट से हंसराज हंस BJP के, कांग्रेस के राजेश लिलोटिया, आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह, वेस्ट दिल्ली से भाजपा के प्रवेश वर्मा, कांग्रेस के महाबल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह जाखड़, साउथ दिल्ली सीट से रमेश बिदुड़ी, कांग्रेस के विजेंदर सिंह बॉक्सर और आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा, रमेश बिदुड़ी यहाँ से बीजेपी के सिटिंग सांसद है। ये सभी सीटें बीजेपी के पास थी और इस बार समीकरण कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ सीटों पर यूं भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर खिसक सकती है और कांग्रेस गेन कर सकती है, दूसरे स्थान पर आ सकती है, लेकिन समीकरण बता रहे हैं कि 7 की 7 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं और एक सीट अगर बीजेपी खो सकती है तो वो है हंसराज हंस वाली सीट।
क्योंकि हंसराज हंस का टिकट बहुत देरी से हुआ, अंतिम दिन हुआ और वो बाहरी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।